नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के दोषी के खिलाफ कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि आरोपी को कोर्ट ने 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। बता दें शास्त्रीय अधिवक्ता विवेक खुश द्वारा जानकारी दी गई थी कि 24 मई 2021 को कलियर क्षेत्र से एक 15 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद किशोरी के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी थी। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी थी, जिसके कुछ समय बाद किशोरी को बरामद कर लिया गया था। वहीं किशोरी के मेडिकल कराने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया था। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी की पहचान बिजनौर के नाहतौड़ थाने के वार्ड नंबर 8 निवासी फरमान के रूप में हुई थी। आपको बता दें फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान ने सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ये फैसले सुनाए हैं। फैसलों के तहत दोषी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है, जबकि 50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। वहीं अर्थदंड में से 45,000 रुपए प्रतिकर के तौर पर पीड़िता को दिए जाएंगे, जबकि अर्थदंड नहीं भुगतने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।